ओके okay, तो और मेरे भाई लोग कैसे हो? तो लोग फाइनली 2.9 का अपडेट आ चुका है या फिर आने वाला है कल सुबह। और भाई आप लोगों को पता है कि अपडेट आने पे ही हम लोग क्या करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। जी हाँ भाई, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसलिए आज की इस वाले वीडियो में 2.9 अपडेट के कुछ खतरनाक वाला टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो भाई गेम में बहुत सारी नई नई चीजें आने वाला है, तो हर एक चीज मैं भाई लोग आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा एंड साथ ही साथ हर एक चीज का एक दो करके टिप्स एंड ट्रिक्स भाई लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब कहां पे किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर भाई आप गेम को अपडेट कर रहे हो तब इस वीडियो को एक बार पूरा का पूरा देख लेना, आपको भाई गेम खेलने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और हाँ, लॉन्डो 2.1 के लाइक का टारगेट है तो प्लीज इस बार कंप्लीट करा देना, ठीक है। तो भाई बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 के बारे में। और ये वाला ट्रिक भाई आप यूज कर सकते हो स्नोई विलेज में, मतलब मैप के सबसे बड़े वाले हॉट ड्रॉप में। अब यहाँ पे आने के बाद आपको बिल्कुल ही टॉप फ्लोर में आ जाना है और इस कोने की तरफ आप लोगों को आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद क्लाइंब वाले बटन को आप लोगों को दो बार यूज करना है, यहाँ पे एक बार और सामने की तरफ जाके यहाँ पे फिर से एक बार। और जैसे आप करोगे आप एक ही झटके में भाई इस वाले लोकेशन में आ जाओगे। अबे आप लोगों को पता है कि हॉट ड्रॉप में कितना सारा बंदा आने वाला है, तो अगर भाई आपका डिवाइस हक देता है हॉट ड्रॉप में तब इस लोकेशन में आके बैठ सकते हो और बंदों को बहुत ही ज्यादा इजिली तरीके से सरप्राइज कर सकते हो। अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 के बारे में। अब भाई सारे के सारे हॉट ड्रॉप में आप लोगों को ना चारों तरफ एक ब्लू लाइन देखने को मिल जाएगा, इसे हम बोलते हैं ग्लाइडर। अबे पता है ये चीज हम लोगों को गेम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो सबसे पहले आप लोगों को ग्लाइड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। वैसे तो भाई इस चीज को बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, हॉट ड्रॉप के इस कोने से लेके भाई उस कोने तक आप चुटकियों में जा सकते हो। लेकिन भाई आपको यहाँ पे करना क्या है, दोबारा रिकॉल होने के बाद यहाँ पे देखो, अब ग्लाइड करते हुए जैसे भी आप किसी भी हाउस के पास में आ जाओगे आप लोगों को लीव वाले बटन पे टैप कर देना है, ठीक है। और आप लोगों को जिधर की तरफ जाना है उधर की तरफ आप लोगों को जॉयस्टिक को खींचना है। तो मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूँ तो मुझे भाई लेफ्ट की तरफ जॉयस्टिक को खींचना है और एक ही झटके में मैं भाई इस वाले घर के ऊपर आ जाऊंगा। अब यहाँ पे भाई एक चीज तो आप लोगों को पता है कि एक बार रिकॉल होके भाई दोबारा हॉट ड्रॉप में आने के बाद भाई आप सीधा बंदों के मुंह पे तो नहीं घुस सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आके आप इजीली तरीके से बैठ सकते हो और कवर लेते हुए भाई सारे के सारे बंदों को बहुत ज्यादा इजीली तरीके से सरप्राइज कर सकते हो, जैसा कि मैंने भाई यहाँ पे इन गेम में किया। सबसे पहले मैं भाई यहाँ पे आके बैठा, सामने की तरफ एक बंदा मेरे को दिखा, इसको इजीली तरीके से मैं ले गया और मुझे पता था इसका एक और टीममेट है सामने की तरफ, तो भाई इसको भी बहुत ही इजीली तरीके से मैं ले जाता हूँ। अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 के बारे में। अब भाई मैप के हर एक हॉट ड्रॉप में आप लोगों को स्नोबॉल ब्लास्टर नाम का एक नई गन देखने को मिल जाएगा। खैर भाई इससे तो आप खुद भी फ्रीज हो सकते हो और बंदों को भी फ्रीज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मस्त वाला ट्रिक आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। अब मानो भाई किसी भी घर के अंदर हो आप, ठीक है, तो खिड़की के लेफ्ट कोने की तरफ या फिर राइट कोने की तरफ आप लोगों को यूज कर देना ये वाला गन। जैसे आप ऐसा करोगे जो खिड़की पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा और अगर भाई मतलब कोई भी बंदा बाहर की तरफ से नेट वगैरह करता है तो नेट भाई अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा और इसको फोड़ने के लिए भी काफी सारा गोलियां मारना पड़ता है। तो तब तक भाई आप बहुत ही इजीली तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। और भाई इस चीज का सबसे ज्यादा मस्त यूज क्या होने वाला है पता है भाई, अगर भाई आप ओपन में फंस जाते हो कहीं पे भी आप लोगों को स्नोबॉल ब्लास्टर यूज कर देना है और आपके सामने एक प्रॉपर कवर बन जाएगा और भाई आप उस कवर का यूज करके उस भाई सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से निकाल सकते हो। अब भाई बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 के बारे में। अब भाई मैप के अंदर आपने शायद कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि ये जो हिरन आप लोगों को देखने को मिलता है ये भाई आप लोगों को पूरी मैप में लगभग 7 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हर एक हॉट ड्रॉप में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, मेन हॉट ड्रॉप में ये आपको 4 देखने को मिल जाएगा। अब वैसे तो भाई इसको लेके आप बहुत ही ऊंचा ऊंचा जंप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक भाई लोग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्री आप लोगों को सामने की तरफ देखने को मिलता है, इस टाइप के सारे के सारे ट्री के सामने आप लोगों को जाना है और जंप वाले बटन पे क्लिक करना है और जो स्पीड वाला बटन है उसको भाई आप लोगों को होल्ड पे कर देना है। और जैसे आप ऐसा करोगे एक ही झटके में भाई आप इस पेड़ के बिल्कुल टॉप पे आ जाओगे। और ये वाला ट्रिक भाई इतना ज्यादा क्रेजी है ना भाई, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इसको यूज करने के बाद बस भाई आप लोगों को वेट करना है कि बंदा भाई कब आपके आसपास से गुजरे, और जैसे भाई बंदा आपके आसपास से गुजरता है उनको धराधर आप लोगों को बस पेल देना है। और पेड़ से नीचे उतरने के लिए भाई आप लोगों को फिर से सेम मेथड फॉलो करना है, आप भी बहुत ही इजीली तरीके से पेड़ से नीचे की तरफ आ जाओगे। अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 के बारे में। तो मैप के जगह जगह पे भाई इस टाइप का शोरूम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो काफी सारे लोग भाई इसको लेके कंफ्यूज है कि ये चीज क्या है, ठीक है। तो इसका जो गेट है ना भाई, ये बंद रहता है, तो आप लोगों को करना क्या है, चले जाना है भाई इधर की तरफ से अंदर। और जैसे आप अंदर आओगे यहाँ पे आप लोगों को यूज का एक बटन देखने को मिलेगा, इसको आप लोगों को टैप करना है और आपके सामने सारे के सारे गाड़ी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है कौन सा गाड़ी आप लोगों को चाहिए, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आप लोगों को गाड़ी मिलता है उसको लेके भाई आप लोगों को बाहर की तरफ चले जाना है या फिर यूज करना है। अब खैर भाई यहाँ पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे एक ट्रिक तो मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, वही भाई आप लोगों को घोड़ा लेके आ जाना है और कुछ इस तरीके से इसको जंप लगाना है जिस तरीके से मैंने पिछली बार लगाया था, और एक ही झटके में आप ये जो शोरूम है इस शोरूम के बिल्कुल टॉप पे आ जाओगे। और यहाँ पे आप लोगों को हाइट का एडवांटेज तो अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर भाई बंदा आसपास आपको दिखता है तो कवर का एडवांटेज लेते हुए उन सारे के सारे बंदों को आप बहुत ही इजीली तरीके से पेल सकते हो। वैसे तो भाई इस वाले मोड में और भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, लेकिन जो जो भाई काम की चीज है वो सब भाई मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इजीली तरीके से भाई आप मैच वगैरह खेल सकते हो अभी और भाई इजीली तरीके से इस मोड को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन काफी ज्यादा बढ़िया मोड है भाई। बाकी भाई गेम में जैसे अपडेट आता है मैं तुरंत भाई कंट्रोल वगैरह सेटिंग वगैरह सब कुछ सेट करके सेंसी वगैरह सेट करके आप लोगों के लिए खतरनाक वाला वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे इस वाले चैनल को और कमेंट में भाई ये चीज मुझे स्पैम कर देना कि जायरो का सेंसिटिविटी ज्यादा
चाहिए या फिर नॉन जायरो का, ठीक है? फटाफट से जाके कमेंट में स्पैम करो, मुझे देखना है कि भाई जायरो वाले ज्यादा है या फिर नॉन जायरो वाले। बाकी यही तक था आज की छोटी सी वीडियो में, कैसे लगे आप लोगों को वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ जो बिल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर देना, ठीक है? तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।